नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे। आपके साथ मैं हूँ ज्योति। देखिए, पटना में आए दिन जाम की समस्याएं होती रहती है और इसी जाम की समस्याओं से निजात पाने के लिए बिहार सरकार यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना मेट्रो का कार्य जो है कुछ साल पहले शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि इसी का जायज़ा लेने के लिए आज वो पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में पहुँचे कि आखिर पटना मेट्रो का कार्य कहाँ तक हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत की और जायज़ा लिया कि कार्य में और कितनी देरी है और कब से पटनावासी जो है इस सौगात का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। पहले आप सुनिए कि उन्होंने अधिकारियों से क्या खास बातचीत की है। लेखा का तो हो ही न गया, वहाँ से अनुमति अग्रीमेंट भी हो गई, एग्रीमेंट हो गया है। तो उनसे तो हमारा पहले का न था सर। जायका और जायका केंद्र सरकार की तरफ से भी फंड आने हाँ बताइए, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और जो संस्था से हम लोग लिए, हम तो जायका वाला ही कही रहे थे, उन्हीं का व्यस्त वही कर दिए हैं। तो हम मिल के बहुत तेजी से काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो भी हमको जमीन है ये वो करना हो तो राज्य सरकार को करना भी कर दिया, लगभग पूरा हो गया, सब चीज कर दिया। कहाँ पर क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सारा काम कर दिया गया। और ये लोग तो काम कर ही रहे हैं और हमारे अधिकारीगण भी उनके सहयोग में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, सबके लिए लोग रहते हैं, तो पिलर भी नजर आने लगा है। तो लोगों का जो सपना था वो सपना आप लगा है, अरे सब होगा, काला सपना देखिएगा ना, बहुत अच्छा। 24 में शुरू हो जाएगा, केंद्र सरकार से सहयोग मिल गया सर। 24 में ये तो ऐसा देखिएगा, बारे में भी देना है, कोई करवा रहे हैं नहीं है। तो बता दें कि जल्द ही पटनावासी जो है अब मेट्रो का सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो लक्ष्य रखा गया था कि पहले चरण का कार्य जो है वो 2023 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन किसी कारण बस उसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब कार्य को और तीव्रता मिलेगी, क्योंकि जो फंडिंग को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर हो गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जायका के द्वारा जो है अब फंडिंग की ये जो समस्याएँ वो दूर कर ली गई है, तो अब कार्य को और तीव्रता मिलेगी, तो पटनावासी जल्द ही इस मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे। तो हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।